भारत और पाकिस्तान के सबसे बड़े मुकाबले में इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम में लाखों से ज्यादा लोग इस मैच को देख रहे हैं और इस बड़े मुकाबले को ये दोनों टीमें जीतना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों टीम अपना पिछला मैच जीतकर यहां पर पहुंची है और जो टीम ये मुकाबला जीतती है वो हैट्रिक लगा देगी। इसी वजह से ये दोनों टीमें इस मुकाबले में पूरी तरह अपना पूरा दम दे रही थी। और दोस्तों जब इस मैच में राष्ट्रीय गान हुआ तो उस समय दोस्तों सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया और मैदान पूरी तरह गूंज उठा था, जहां दोस्तों राष्ट्रीय गान के द्वारा विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी पूरी तरह इमोशनल हो गए थे। और जब दोस्तों इसके बाद इस मुकाबले में टॉस हुआ तो फिर भारत का कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्तों रोहित शर्मा ने गेंदबाजी चुनने के बाद सबको ये बता दिया कि सुमन गिल की इस मैच में वापसी हो गई है और उनकी जगह ईशान किशन को बाहर बिठाया गया है। ऐसे में दोस्तों सुमन गिल के नाम सुनते ही फैंस ने शोर मचा दिया। और जब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इमामुल्लाह और अब्दुल्ला सफी पारी की शुरुआत करने उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में करवाई। तो दोस्तों भारत की तरफ से पहला ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आए थे और दोस्तों बुमराह ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआत की 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया था। हालांकि 6वीं गेंद पर चौका पड़ गया था और उसके बाद जब दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए तो उनके शुरुआती 2 गेंदों पर ही एक के बाद एक 2 चौके लग गए थे और सिराज ने दूसरे ओवर में टोटल 3 चौके दिए थे, जहां शुरुआत के पाकिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले विकेट के लिए 41 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान को 8वें ओवर में पहला झटका मोहम्मद सिराज ने ही देकर अब्दुल्ला सफी को आउट कर दिया था और दोस्तों वो 20 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान बाबर आजम उतरे थे, जहां इसके बाद इमामुल्लाह भी शानदार लय में बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद पाकिस्तान का स्कोर भी काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन इसी बीच 73 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को दूसरा झटका देकर इमामुल्लाह को भी आउट कर दिया और वो दोस्तों 36 रन बनाकर आउट हो गए, जहां इसके बाद बैटिंग करने मोहम्मद रिजवान उतरे थे और दोस्तों रिजवान को आते ही जडेजा ने LBW कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद इस फैसले को रिव्यू जब किया गया तो फिर रिव्यू में पाया गया कि गेंद मिस हो रही है और रिव्यू लेने की वजह से रिजवान बच गए और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की पारी को काफी ढंग से आगे बढ़ाया और इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान का स्कोर 150 रन के पार की पहुंचा दिया था और बाबर आजम ने 57 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे और दोस्तों वो भारत के गेंदबाजों को एक के बाद एक करके चौके जड़े जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच में एक बड़ा उलटफेर हुआ और भारत के गेंदबाजों ने मैच को पूरा पलट दिया, क्योंकि दोस्तों 155 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने कप्तान बाबर आजम को क्लीन बोल मार दिया और वो 50 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों इसके बाद हमें कुलदीप यादव का कहर देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक ही ओवर में पाकिस्तान को एक के बाद एक करके 2 बड़े झटके देकर साउथ शकील और इफ्तिकार अहमद को आउट कर दिया था, जहां साउथ शकील केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे तो दोस्तों इफ्तिकार अहमद 4 रन बना पाए थे। और दोस्तों इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह कहर बरपा दिया था, जहां इफ्तिकार अहमद आते ही आक्रामक बैटिंग कर रहे थे लेकिन कुलदीप यादव के आगे वो भी क्लीन बोल हो बैठे, जहां इसके बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 168 रन के स्कोर पर बुमराह ने देकर मोहम्मद रिजवान ने क्लीन बोल मार दिया और वो 49 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों पाकिस्तान के 6 विकेट 168 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और उनकी हालत इस मैच में पूरी तरह पंचर हो चुकी थी। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह यही नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने अगले ही ओवर में सदाब खान को भी क्लीन बोल मार दिया और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 40वें ओवर में आकर मोहम्मद नवाज को आउट कर दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा ने हसन अली को आउट कर दिया था और वो 12 रन बनाकर आउट हो गए थे और पाकिस्तान के 9 विकेट 187 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इसके बाद आखिरी झटका भी रविंद्र जडेजा ही नहीं देकर पाकिस्तान की पूरी टीम को 191 रन के स्कोर पर ऑल आउट मार दिया और पाकिस्तान की टीम केवल 43 ओवर ही खेल पाए, जहां इस मैच में भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए वर्ल्ड कप का ये महा मुकाबला जीतने के लिए 192 रन बनाने थे।